खाना नहीं है, बस देख के मन भर गया। मन करता था एक दो बीज भी मिल जाते काफल के तो कैसा होता। कुछ देर बाद हमको एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है। गाइस यहाँ देख रहे हो क्या बारिश हो रही है काफलों की। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की इन हसीन वादियों में। मेरा नाम है साक्षी नेगी, मेरे गांव का नाम है तैला जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सीधे मौसी के गौशाला से और ये सुंदर सुंदर गाय और भैंसों से। इस बड़ी वाली भैंस है जो कि मेरे लिए बहुत मैं कर रही है, मैं इसको शायद मैं पसंद आ गई। बाकी ये रही गाय और उधर रहा गाय का बच्चा और ये बोला मेरे को ही दिखावे। मैं बोल भी किसी को ये चाहिए तो ले लेना भाई। यही सबसे छोटी वाली बछड़ी गाय की रही मौसी वालों की छोटी सी बिल्ली जो कि अब प्रेग्नेंट है, इसके बच्चे होने वाला है कुछ टाइम बाद। क्यों? और बहुत ही प्यारी है। बाकी अभी सुबह सुबह हमारी तैयारी भी हो गई है, जिस चीज के लिए आए हैं हम उस चीज के लिए जाने के लिए, मतलब काफल के लिए जाने के लिए। तो यहाँ देखो अभी तो मौसी नानी और मैं जा रहे हैं, बाकी भाई लोग तो दूसरी जगह जा रखे हैं। तो हम ना कंडे भी रख रखे हैं, जितने काफल होंगे सारे निकाल के लाएंगे। तो चलो और हेलीकॉप्टर देखो केदारनाथ यात्रा करके आ रहे हैं। आजकल केदारनाथ यात्राएं चल रही है जोरों शोरों से, सड़क पे जाम है जाम, आसमान में बस हेलीकॉप्टर दिख रहे हैं। हम कब जाएंगे यही सोच रही हूँ मैं तो। गाइस तब से 1 किलोमीटर तो चल लिया, अभी काफल का कोई अजाब पता नहीं है। एक पेड़ दिख रहे हैं, एक दो पेड़, परंतु बहुत ज़्यादा ऊपर हैं और मैं तो फर्स्ट टाइम जा रही हूँ काफल लेने के लिए। पता नहीं कितनी दूर जाना पड़ेगा, पेड़ पे कैसे चढ़ना पड़ेगा, पेड़ पे चढ़ना भी नहीं आता। मैंने तो सोच लिया है जब भी मेरे को पहले काफल मिलेंगे मैं तो पहले पेट भर के खा लूँगी। तो कितनी थकान लगी नानी? बहुत ज़्यादा। नानी तो बुजुर्ग हो गए पर सक्या बहुत है, हिम्मत बहुत है। नानी को इसलिए लाए, नानी जाएंगे पेड़ पे, पुराने आदमी बहुत जा पाते हैं पेड़ों पे, बड़े बड़े पे, पर काफल नहीं मिल रहा। ऐसे मिल रहे हैं सूखे सूखे, यहाँ देखो एक छोटा सा। नाम बहुत ही घना घोर जंगल में आ चुके हैं और बहुत ऊपर आ चुके हैं। बाकी आपको ना बैकग्राउंड से आवाज आ रही होगी, उसको बोलते हैं गढ़वाली में निन्यारे, वो बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं, चुप ही नहीं रहते और चुपचाप रहे। आवाज सुनो अभी पूरे जंगलों में उन्हीं की आवाज आ रही है। नीचे गिर रखे हैं बहुत सारे काफल, यहाँ देखो। अभी सबने तो अपने अपने लिए पेड़ ढूंढ लिए पर पेड़ इतने बड़े हैं कि मेरी बस की नहीं है, इतने लंबे पेड़ हैं। मैं तो आराम से नीचे के खाती हूँ। नानी तो जा रखी है इधर की साइड और मौसी देखो इस बड़े पेड़ पे चढ़ गई। तो मेरे काफल 2-3 बीज, बाकी मौसी ये तो निकालने पे लगे हुए हैं, मेरी बस की नहीं है। ऊपर पेड़ पे देख रही हूँ तो मेरे आंखें घूम रहे हैं। देखो मेरी नानी भी लगी हुई है मिलना, अभी छिन्ना ने सुर कुटर उगे लिया। यहाँ पे देखो मौसी ने मेरे को भी दे दिया एक फांगी तोड़ के, एक टहनी तोड़ के, कि तू इनके टिप। बाकी आप लोग कमेंट में ये मत बोलना कि हम काफल के पेड़ तोड़ रहे हैं तो नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये जो पतली पतली टहनियाँ होती है ना आगे की, तो ये तोड़ने जरूरी होते हैं, उसके बाद और ही अच्छे फल आते हैं। इसलिए मौसी इन पतली पतली टहनियों को भी तोड़ रही हैं। वो काफल ज़्यादा मीठे, इतने ज़्यादा टेस्टी हो रहे हैं। बहुत लोग सोच रहे होंगे ये काश हमको देती तो, मैं यहाँ नीचे से टीप टीप के खा रही हूँ बड़ी मुश्किल से। देखो हमको ना एक ताई जी मिली जो कि हमारे व्लॉग देखती हैं और ताई जी भी आ रखे हैं काफल लेने। कहाँ से आप? कोटी पटालीदार, बहुत दूर से आ रखे हैं। कितने मिल भी रहे हैं काफल? अच्छा और बहुत सारे आ रखे हैं काफल लेने के लिए। मौसी देखो ऊपर से घिरा रही है और हमारे सर फोड़ने पे लगी हुई हैं, ऊपर चली गई। देखो हमने ना घर से एक चादर ले आए थे, मौसी ने एक जुगाड़ लगाया खतरनाक वाला और मौसी ऊपर से पेड़ हिला रही है, हमारे बस के पेड़ पे जाना नहीं है। तो थोड़े बहुत यहाँ पे देखो काले काले पके हुए इसमें घिर रहे हैं। लोगों के रिश्तेदार ऐसे जगह रहते हैं जहाँ बहुत सारे काफल होते होंगे, तो ये मत बोलना कभी भी कि वो हमको काफल नहीं भेज रहे, काफल नहीं भेज रहे। खुद जाओ एक बार जंगल में और काफल निकाल के लाओ, फिर पता चलती है मेहनत। और वैसे भी इन जंगलों से मौसी ने हमारे लिए बहुत बार काफल भेज दिए, हर साल भेजती रहती है। और हम अपने यहाँ से आम भेजते रहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ आम होते हैं और यहाँ काफल ज़्यादा होते हैं।
मौसी ऊपर से झाड़ने पे लगी हुई है और नानी में ऐसे करके समेटने पे लगे हुए हैं। ये देखो इधर में हमने काफल झाड़े ना मौसी ने, तो यहाँ देखो इतने सारे काफल झड़े, काफी सारे हो गए। बाकी इसके ना ये जो कवाड़ है ये भी निकालना पड़ेगा साफ। पे देखो अभी ना हमने इतने काफल निकाल दिए हैं, बाकी इसको इसमें ढालते हैं, उसके बाद एक डब्बे को खाली करेंगे, अभी बहुत सारे निकालने हैं। तो नीचे इतने सारे काफल गिर रहे थे कि हमने अपने परंदे और चादर और ये सब कुछ बिछा दिया है। बाकी मौसी जा रखी है और इस वाले पेड़ पे काफी काफल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ देखो कितने सारे काफल गिरे एकदम से। गाइस यहाँ देख रहे हो क्या बारिश हो रही है काफलों की, खतरनाक। इस जगह जो चीज ज्यादा होती है ना उस चीज को खाने का मन ही नहीं करता। अभी यहाँ आ रखे हैं तो काफल को देख के ही पेट भर गया। ये वो इननी देख रहे हो क्या बारिश कर रही है मौसी को देखो क्या खतरनाक स्टाइल में आई नीचे। बाकी यहाँ देखो मौसी ने भी ऊपर रखे इतने सारे काफल झाड़े भी और इतने सारे निकाल के भी दिए परंजे के सारे। मौसी पेड़ों पे खूब जाती हैं तो मौसी को आ जाते हैं, और हम लोग होते ना मौसी कैसा रहा कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा दोस्तों, काफल खाने आ जाओ। बदराड़ी लग गई दोस्तों यहाँ पे, बदराड़ी लग गई दोस्तों, बदराड़ी भी होती है। काफल खा के अगर मौसी नहीं होती तो हमारे पास अभी थोड़ा भी काफल नहीं होते, क्योंकि ना मौसी ऊपर पेड़ हिला रही हैं जल्दी जल्दी से और हम नीचे टीप रहे हैं, और हम तो सारा एक परिवार हैं इसलिए हमारा ठीक हो रहा है। कोई बाहर के लोग होते ना जैसे गांव के एक घर का एक घर का, तो पता क्या करते, एक जो पेड़ पे जा पाता वो पेड़ पे जाता और गाँव के अपने अपने लिए निकाल लेते, तो जो पेड़ पे गया तो उसका घाटा हो जाता। अभी वो सब तो ऊपर चले गए, उन्होंने मेरे को काम दे रखा है चार जो इतने सारे झाड़ रखे हैं ना इनका कबाड़ हटाना है, जल्दी इन डब्बों में भरना है। और डब्बे तो भर गए वो भी, और ये भी समझ नहीं आ रहा किस में भरूं मैं। इन काफलों को देख के ऐसा सुकून मिल रहा है ना, आहा। जो लोग वीडियो देख रहे होंगे उनका भी मन कर रहा होगा, तो आओ हमारे पहाड़ और खाओ इन मस्त मीठे मीठे काफलों को। और घर पे जाके ना नमक तेल मिला के इतना ज्यादा टेस्टी होते हैं ना ये काफल, इतने टेस्टी होते हैं वो तो आपको घर पे जाके पता चलेगा कितने टेस्टी होते हैं। और उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय फल भी है काफल। ये देखो ये रही हमारी इतनी सारी मेहनत, मतलब देख सकते हो आप कितने काफल, सारे ना अलग अलग पेड़ के काफल हैं, खड़ा होना मीठा मीठा। देख सकते हो आप इतने सारे काफल हैं। नानी कैसे लग रहे हैं इन काफलों को देख के? बहुत अच्छा, खाना नहीं है बस देख के ही मन भर गया। इनको देख के मन भर गया, और घर पे जब घर पे रहते थे ना तो मन करता था एक दो बीज भी मिल जाते काफल के तो कैसा होता। और अभी देखो डब्बे भी ऐसे कीट कीट के भर रखे हैं ना हमने। बाकी भैया लोग भी आ रखे थे साथ में और वो दूसरे जंगल पता नहीं कहाँ चले गए। अभी भैया मेरी वीडियो देखेगा तो भैया पछताएगा कि मैं उनके साथ क्यों नहीं गया। बाकी अभी ना दिन के 12 भी बज चुके हैं, ज़्यादा हो गया होगा टाइम, तो खाना तो कहाँ से खाना, पेट हमने इनसे भर लिया। अभी चलते हैं घर पे और ये सारे काफल ले जाएंगे हम अपने घर। ये सब लोग हैं काफल के ठेकेदार। ठेकेदार है, किसी को चाहिए तो बताना। नहीं होती तो काफल भी नहीं होते। मौसी के बहाने यहाँ आए, और अच्छा हुआ कि नानी ने यहाँ कर दी मौसी की शादी। ना नानी काफल भी कखे खान चाहे बोलो, एक के लिए मोशियो भी हो एक लड़की यहाँ डडोली गाँव में दे दो। जिनको भी काफल खाना है अपनी बेटियों की शादी डडोली गाँव में कर दो, उसी कारण आप काफल खा पाओगे, वो ये एक जरिया। अभी हमने अपने कंडे सल्डे भी पीठ पे उठा लिए हैं, अभी सीधे घर चलते हैं। मौसी बोल रही है अब इधर उधर पेड़ पे मत देखो, बस सीधे घर चलो, बहुत काफल निकाल लिया आज। हम काफल के लिए आए थे तो मौसी ने भी फिर हमारे ही साथ आना था, तो गाय भैंसों के लिए घास नहीं हुआ इसलिए मौसी यहाँ पे बांझ काट रही है, थोड़ा चोरी कर रही हूँ बस। अब यहाँ पे बांझ के दो कंडे भी काट दिए मौसी ने, अभी उठाते हैं और सीधे घर को चलते हैं। मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ कि जंगल में कौन लोग आग लगाते हैं। मैं यही लोग आग लगाते हैं, रात को आते हैं, बीड़ी सिगरेट दारू स्मोकिंग करते हैं और यही आग लगा के जाते हैं। कि अगर आप लोग कभी काफल के लिए जाओ या फिर बांझ के लिए जाओ बांझ के जंगलों में, तो कभी भी अकेले मत आना, क्योंकि बांझ का जंगल इतना ज्यादा घना होता है, ढका हुआ होता है, कि जंगली जानवरों का बहुत ज्यादा डर रहता है, इसलिए अपना एक ग्रुप बना के जाओ। यहाँ से देखो अगस्त मुनि मार्केट का खूबसूरत सा नजारा दिखाई देता है, उधर से पूरा इधर तक और घना जंगल। मौसी बोल रही है इस जगह पे ज्यादा रुकना नहीं है, बल्कि यहाँ आछरियों की धार है, मतलब परी वो जो होता है पहले का, मतलब अभी भी मानते हैं लोग, क्योंकि आछरी परी एड़ी बणदेव ये सब होते हैं, तो यहाँ पे अगर कोई गिर गया तो गया काम से।
मैं भी जल्दी जल्दी चलती हूँ, बात तो आपसे बाद में कर लेंगे। नीचे इतना ज्यादा घना जंगल है, अगर यहाँ से किसी का पैर फिसला नीचे कहीं पे अटकने के लिए नहीं है, सीधे उस घने जंगल में जाके गिरोगे। जैसे ही हम सब ना बांझ के जंगल से बाहर सड़क में आए, वैसे इतनी ज्यादा गर्मी होना स्टार्ट हो गई। नानी तो बोल रही थी मेरा मन नहीं है घर आने का, मैं यहीं पे सो जाती बल आराम से, क्योंकि घर पे बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और जंगल में ना ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहती हैं बांझ के पेड़ों के अंदर मजे से। जैसे हम मौसी के गौशाला में पहुंचे ना, यहाँ पे देखो गाय भैंसों की रक्षा करने के लिए ये मजे से बैठ रखी है। अभी ना घर पे आके मौसी जी ने भी गर्मा गर्म खाना दे दिया, अभी खाना बनाया था बहन ने, बहन घर पे थी। हेलो, और अभी ना गर्मा गर्म खाना खाते हैं। अभी ना हमने खाना भी खा लिया है, बाकी अभी हमने ना सारे काफल निकाल दिए हैं कि कितने काफल लाए हम। काफल तो हम इतने सारे लाए कि जितने हमें पता भी नहीं था। एक टब भर के काफल तो ये है, ये पूरा नीचे तक इतना बड़ा टब है। और एक परात काफल की ये है, ये अलग पेड़ की, ये अलग पेड़ के। और एक परात काफल की है और एक सुपर। जो भैया भी आ गया यहाँ पे देखो, और ये रहे भैया के काफल, इतने काफल लाया कहाँ थे तब से, कहाँ थे बदलते मानो काफल। भैया ने पेड़ पे चढ़पा था ना कुछ, पर भैया भी बहुत ज्यादा काफल लिया। एक सब्सक्राइबर दिए होंगे वो वो भी सब्सक्राइबर उन्हें निकाले होंगे। नानी जी भी कल आ गई थी, हम भी कल आ गए थे, तो अभी ना नानी जी जाएंगे गाड़ी में, क्योंकि बाइक में तो इतने आ नहीं सकते कान्हा नानी मैं, तो इसलिए नानी जी गाड़ी में जाएंगे। गाड़ी जाने वाली है तो ठीक है नानी जी। तो अभी हो चुका है शाम का समय, थोड़ी देर आराम करने के बाद अभी मैं और मन्ना जा रहे हैं घूमने के लिए। घूमने के लिए वैसे घूमने के लिए कि नहीं जैसे दूर दूर, बस ऐसे सड़क में घूमने के लिए, क्योंकि ना मैं जब 13 साल की थी उस टाइम आई थी यहाँ, और उसके बाद अब मैं 18 साल की हो चुकी हूँ, तो अब आई घूमने के लिए, तो अभी मैंने थोड़ा बोला ऐसे घूम लेते हैं। यहाँ देखो ये डडोली की खूबसूरत सी सार रही, और बाकी सभी लोग लगे हुए हैं अपने काम पे, गोडाई पे, कोई घास निकालने पे। तो अभी ना हम यहाँ रोड पे घूमने के लिए आए थे कि मन्ना की सारी दोस्त मिल गए। ये इधर कदर इनको पता नहीं क्या हो रहा है। देखो रास्ते में हमको मौसी भी मिली है, मौसी गई थी ऊपर पेड़ काटने के लिए, और इतना बड़ा भारा ला रखा है ना, इसी को देखो इतना बड़ा भारा ला रखा है, अब मौसी मैं ले जाती पर मेरी बस की नहीं। मौसी देखो है तो इतनी छोटी, पर इतना बड़ा भारा है ना, खुद से भी बड़ा, ऊपर से नीचे तक के किसान है भाई मौसी, बहुत ज्यादा ठीक बोला। हो चुका है रात का समय, बाकी यहाँ पे गर्मा गर्म खाना बन के भी रेडी हो चुका है, और खाना में देखो आपको ना दूध घी दही सब कुछ दिखेगा, क्योंकि हम पहाड़ी लोग हैं तो हमें आसानी से पच जाता है। बाकी वैसे रात को दही नहीं खाना चाहिए, पर भैया की फेवरेट है तो भैया खाता ही है। और खाने में आज बनी है फेवरेट भिंडी की सब्जी और रोटी। अभी ना हमने खाना भी खा लिया है, बाकी अभी कुछ देर बाद हमको एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है। खबरी ये है कि ये वाली बिल्ली जो मैंने आपको सुबह दिखाई दी, ये है प्रेग्नेंट। तो अभी ना से इसको ना दर्द होना स्टार्ट हो गया है। पहले हमारी बिल्ली भी थी तो हमको पता था, बिल्ली के बच्चे ना सीधे रात को 1 या 2 बजे होते हैं, और कभी भी किसी इंसान के सामने नहीं होते। मतलब होते तो होंगे, पर हमने गाँव में बोला जाता है कि जिसके सामने बिल्ली के बच्चे होते हैं ना वो भाग्यशाली होते हैं। तो अभी इसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मौसी इसकी तेल से मालिश कर रही हैं, तो अभी ये थोड़ा चुप है। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं साक्षी नेगी मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग में, तब तक ले बाय बाय, धन्यवाद, जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।